हेलो स्टूडेंट, इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। इन लास्ट वीडियो हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन था हमारा लिबरलाइजेशन एंड सेकंड वन था हमारा प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, उन दोनों टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इन लिबरलाइजेशन हमने डिस्कस किया था अबाउट द गिव द फ्रीडम्स एंड लिबर्टी टू द पब्लिक टू द इंडस्ट्रीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द दे आर डूइंग्स दे आर बिजनेस। एंड इन प्राइवेटाइजेशन कंपनीज गो टू द प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर्स एंड कम्स इन टू द कन्वर्टेड इन टू द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर्स। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक द कंपोनेंट्स ऑफ और एलिमेंट्स ग्लोबलाइजेशन, इसमें कह रहा है इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड। टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वॉज फॉलोइंग सम पॉलिसीज इन रिगार्ड टू इम्पोर्ट एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट इन रिगार्ड ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ द ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ रिस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि बिफोर द 1991 से पहले क्या था कि कंपनीज को कुछ चीज़ों को फॉलोअप कर रही थी, जैसे उनको बाउंडेड किया गया था, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बाउंडेड किया गया था, लाइसेंसिंग के लिए फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स बाउंडेड किया गया था, कुछ टैरिफ्स किए गए उनके लिए, कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए थे कि इन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के अंडर रहकर के ही उनको वर्क करना है। बट आफ्टर द न्यू पॉलिसीज गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड रिडक्शन ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटीज। कहने का मीन्स ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल जो हमारे तीन पार्ट हैं एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज के जो हमारे थ्री एलिमेंट्स हैं उन ओवरऑल थ्री एलिमेंट्स में हमने क्या डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ द दिस थ्री एलिमेंट्स कंपनी गवर्नमेंट एंड द कंपनीज गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिसीज टू गो विद द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स फ्री फ्रॉम द लाइसेंसिंग एंड फ्री फ्रॉम द फ्रीडम फ्रॉम द डूइंग बिजनेस टू द ओवरऑल। एंड इन द ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन कंपनी मूव टू द पब्लिक सेक्टर्स टू द प्राइवेट सेक्टर्स। एंड इन ग्लोबलाइजेशन से सब मैंने बताया था कि ओवरऑल वर्ल्ड में वो कहीं पर भी अपना वर्क करने के लिए अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बाहर से पैसा लगाने के लिए इस तरह की चीज़ों के लिए वो फ्री थे, उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। ठीक है, जिससे कि वो क्या करते ओवरऑल वर्ल्ड कहीं पर भी जाकर के अपने उसको वर्क को कर सकते थे। जैसे बाहर की कंपनियां यहाँ आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, हमारे यहाँ बिजनेस सेटअप कर सकती थी, यहाँ की कंपनियां फॉरेन में जाकर के हमारे बिजनेस सेटअप कर सकती थी। इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स पर हमारा ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनकर आया था। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन जो निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ द दीज थ्री एलिमेंट्स हमारा जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है उसके बेसिस पर बिफोर द 1991 कंपनीज कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस में कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस में वर्क करते थे, उसके बाद में उन सारी चीज़ों से उनको फ्री अप कर दिया गया फ्री कर दिया गया। ठीक है, जिससे क्या है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ द लिबरलाइजेशन उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम्स खत्म कर हो गया, वहाँ पर उनको फ्रीडम मिल गई कि वो कहीं पर भी किसी भी वे में जाकर के बिजनेस को कर सकते थे। उसके बाद में जब प्राइवेटाइजेशन आए तो गवर्नमेंट की कंपनीज से डिसइन्वेस्टमेंट कर करके उन्होंने प्राइवेट कंपनीज में पैसा इन्वेस्टमेंट कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना के लिए फ्रीडम मिल गया उनको, जो भी उनका क्या नाम है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो चार्जेस किए जाते थे उसमें भी कमी आ गई। तो ये ओवरऑल हमारे लिबरलाइजेशन के उसके फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 के कंपोनेंट्स हैं।